रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का जो राजधानी रायपुर से मिल रही है। आज भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। कैबिनेट की बैठक में बजट को मंजूरी मिलेगी, राज्यपाल के अभिभाषण पर भी मोहर लगेगी और बजट सत्र को लेकर सत्ता पक्ष तैयार करेगा रणनीति और स्कूल खोलने, धान खरीदी, धान का उठाव और कोरोना वैक्सीनेशन सहित कई विषयों पर इस बैठक में चर्चा होने वाली है। और दिन में 11 बजे सीएम आवास पर बैठक होगी। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने पर भी चर्चा की जाएगी। तो काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है ये कैबिनेट बैठक और स्कूल खोलने को लेकर भी इसमें चर्चा हो सकती है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता धीरेन्द्र गोस्वामी जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र बताइए कि आज के कैबिनेट बैठक में क्या कुछ प्रस्ताव रखे जाएंगे और वो कौन से प्रस्ताव होंगे जिनको प्राथमिकता मिल सकती है? देखिए 11 बजे के आसपास ये बैठक शुरू होगी और सबसे महत्वपूर्ण कई मुद्दों पर इस पर चर्चा होगी, लेकिन जो मुख्य बिंदु हैं उसमें सीधे तौर पर जो बजट सत्र होना है उसमें राज्यपाल का जो अभिभाषण होना है उसको मंजूरी दी जाएगी। उसके अलावा बजट जो तैयार किया गया है उसे मंजूरी दी जाएगी, लेकिन कुछ ऐसे बिंदु हैं जिस पर जनता का ध्यान सबसे ज्यादा केंद्रित रहेगा, जैसे कि स्कूलों को खोलने का जो फैसला राज्य सरकार को लेना है कि कोविड के बाद से लंबे समय से स्कूल बंद है छत्तीसगढ़ में और लोग चाहते हैं कि स्कूल खुले और बच्चों की पढ़ाई आगे चले, तो स्कूल खोलने को लेकर आज कैबिनेट में फैसला हो सकता है। सबसे अहम फैसला यही हो सकता है, लेकिन कैबिनेट का जो मुख्य विषय है वो बजट अभिभाषण की मंजूरी है। इसके अलावा कृषि से जुड़े हुए कई विषयों पर चर्चा हो सकती है और सत्ता पक्ष को किस प्रकार से विपक्ष के सवालों का जवाब देना है, क्योंकि एक महीने का लगभग ये सत्र चलेगा, तो इन विषयों को लेकर आज कैबिनेट में चर्चा होगी। काफी लंबी चर्चा हो सकती है, काफी सार्थक चर्चा हो सकती है, लेकिन इस विषय को लेकर सरकार की ओर से काफी बातें भी कही गई हैं। जी ठीक है, अगर बात कर ले बजट की तो बजट पर सभी की निगाहें होती हैं। क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं बजट को लेकर, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि आम जनता की भी राय ली गई थी, तो इस बार बजट में क्या कुछ खास हो सकता है? देखिए अमनदीप, जिस प्रकार से बजट को लेकर अगर बातें हों तो मुख्यमंत्री पहले ही साफ कर चुके हैं कि इस बार जो बजट होगा वो जनता को समर्पित होगा। और जहां तक कयास की बात कही जाए तो कोविड काल के बाद ये बजट आ रहा है, लिहाजा वैक्सीनेशन से लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर काफी इसमें अहम प्रावधान हो सकते हैं। इसके अलावा जो स्कूलों की जो तैयारियां शुरू होने वाली हैं उसको लेकर इसमें काफी प्रावधान हो सकते हैं और कृषि को लेकर भी इसमें काफी प्रावधान होंगे, क्योंकि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त 31 मार्च से पहले देनी है, तो कृषि, शिक्षा और चिकित्सा को लेकर इस बजट में काफी प्रावधान हो सकता है। ठीक है, चलिए तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का जो राजधानी रायपुर से है। सीएम भूपेश बघेल तिलदास आएंगे और अलदा में छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के सम्मेलन में शामिल होंगे। समाज के 75वें महाधिवेशन में शामिल होंगे और 2:15 पर अलदा तहसील तिलदा पहुंचेंगे और वहां महाअधिवेशन में शामिल होंगे। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम भूपेश बघेल का तिलदा दौरा है आज, जहां कुर्मी क्षत्रिय महासम्मेलन में शामिल होने वाले हैं और 2:15 पर वहां पहुंचेंगे और महाअधिवेशन में शामिल होंगे। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का जो राजधानी रायपुर से है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी, सह प्रभारी नितिन नवीन आज 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं और सुबह 9 बजे रायपुर पहुंचेंगे और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। तो पुरंदेश्वरी देवी इसमें शामिल होंगी और साथ ही अजय चंद्राकर, भूपेश सवन्नी विवाद को लेकर भी रिपोर्ट लेंगे। तो एक बड़ी खबर आपको राजधानी रायपुर से बता रहे हैं, जहां डी पुरंदेश्वरी आएंगे और साथ ही बैठक होगी। आपको बता दें कि अजय चंद्राकर, भूपेश सवन्नी विवाद को लेकर भी आज रिपोर्ट लेंगे।